भाई हजार सीढ़ियां है। मैं ठीक हूँ, मैं चिल हूँ। आप देख लीजिए कितनी सिंपल हूँ मैं, बट मेरा देख के सबको रेडी हुआ है। ये लड़का जुवेंडस का टी शर्ट पहना और जॉगर पहना, ये लड़का जीन्स पहना और मेरा भाई तो टूरिस्ट गाइड होने का भी लगा है। मत कीजिए, आ गए टूरिस्ट गाइड। होटल ले लिया है, 2500 रुपया लगा है, बहुत सही होटल मिला है। ठीक है, सोए सोए इधर पे एक थोड़ा सा फोटो सेशन करने के लिए एक है, उसके बाद वॉशरूम है। नहीं मैडम, रूम साफ है, शुक्रिया। अब आप जाइए, आपका ना ठाट बहुत ज़्यादा है। हमको ये वाला चाहिए भाई। हेलो गाइस, देवाशीष हो गया रेडी। पहले वो हाफ पैंट और ऑरेंज कलर का शर्ट पहना हुआ था, बट अब वो चेंज करके ब्लैक कलर का जीन्स और ऑरेंज कलर का शर्ट पहना है, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा है। सब कोई मुझे देख के बोल रहे थे कि मैं रेडी हुई हूँ। ये है व्यू हमारा रूम का गेट खुलते ही ऐसा। गाइड कुछ बताइए हमें, कुछ बताइए। भाई अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, ठीक है, और यहाँ पे रास्ता बहुत जाम है। ए भगत, क्या नाम बोला दुकान का? होशियारपुरी। तो अभी फिलहाल जाएंगे हम लोग होशियारपुरी, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा नाश्ता मिलेगा। तो भाई यही है वो दुकान। चलो, तो भाई ये है पूरी सब्जी छोला, ये छोला भटूरा। और इसका पूरी को देख के लग रहा है कि भाई लोग के पास बेलन फेलन नहीं था, ऐसे ही कर दिया है, गोल नहीं है। भाई तुम विश्वास नहीं करोगे, हमारे रूम में इतना अच्छा एक व्यू है ना, मतलब पैसा दे के भी नहीं मिल सकता ऐसा व्यू। चट्टी सूख रहा है और यहाँ पे इसको देखो। एक बार और। अभी आए हैं हम लोग खाना खाने, लंच आप कहीं पे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और एक वो इंसिडेंट हुआ हमारे साथ, मैं लाल, ये भी लाल, ये भी लाल, ये भी लाल, बस फर्क कितना है, मैं और सोनम जी ट्रेडिशनल पहने हैं, बाकी ये लोग दोनों ट्रेडिशनल नहीं पहने हैं। क्योंकि हम यहाँ से मनसा माँ का दर्शन करके डायरेक्ट चले जाएंगे आरती के लिए, सीट बुक करने के लिए। ठीक है, तो भाई अभी अपन जा रहे हैं माँ मनसा के मंदिर। हजार सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। मैं ठीक हूँ, मैं चिल हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो मेरे साथ दर्जन है ना, वो नहीं चल पा रहे। पूरा ऐसा ऐसा सीढ़ी है। दीदी चल पा रहे? मुझे आवाज नहीं निकल रहा, बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है, चेहरा पे दिख रहा। ये पूरा हरिद्वार है, वन फ्रेम। तो भाई हजार से ज्यादा सीढ़ी चढ़ के हम आ गए ऊपर फाइनली। वहाँ अंदर देख लो मंदिर। कुछ नहीं होगा, आप डरिए मत, हम स्ट्रेट। ओ देखो अभी आने नहीं मांग रही थी। ये देखो भाई क्या व्यू है, दिस इज द व्यू। तो भाई आपको लग रहा होगा कि हरिद्वार में सिर्फ गंगा जी है, थोड़ा मंदिर है और कुछ भी नहीं है। सो लेट मी टेल यू, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, हरिद्वार में बहुत कुछ है। कैमरा मैन पैन करो, दिस इज हरिद्वार। और अगर आपको लग रहा होगा कि इतना अच्छा जगह है, तो आप किसी अपने प्रेमिका का माशुका का नाम चिल्लाइएगा। चिल्ला रहा हूँ।
तो वो गूंजेगा, एको होगा, तो आप गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अपने ख्वाबों को अपने पॉकेट में रखिए और अपना बैग पैक कीजिए और हरिद्वार आ जाइए, क्योंकि हम है मनसा माँ के मंदिर में और यहाँ पे आइए, दर्शन भी हो जाएगा, फोटोज भी खींच पाइएगा। भाई तुम देश के किसी भी कोने में चले जाओ, ठीक है, एक चीज जो कि कॉन्स्टेंट है वो हर जगह मिलेगा, वो है दिस। अगर हमारे हिंदुस्तान को कोई ऐसे बर्बाद किया है तो वो तुम लोग हो। तो भाई अभी जाएंगे गंगा माँ की आरती में, शाम वाला आरती शुरू होता है 6:30 बजे से। अगर आपको देखना है बैठ के पूरा तो 5:30 या 5 बजे के करीब से जाके आप बैठ जाओ, आपको अच्छे से जगह मिल जाएगा, लेट करोगे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, 6:30 बजे आता हूँ। और सुबह को कितना बजे स्टार्ट होगा? सुबह को भी भाई 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है। गाइस गंगा आरती हो गया है, और एक चीज जो कि आपको सतर्क रहना है भाई, यहाँ पे ना थोड़ा मतलब पैसे वैसे वाला चीज थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। मतलब हम आरती ले ही रहे थे, उतना में हमें वो जो गंगा माँ में वो ये करते ना दिया वाला, क्या बोलते उसको, विसर्जन कर रहे थे, पत्ता, साल का पत्ता विसर्जन। हाँ, जो दिया जाता है ना वो पकड़ा दिया, 250 रुपये ले लिया, ठीक है। सो बी अवेयर ऑफ दिस, बाकी अपना एंजॉय करो भाई, क्या ही है। तो भाई हरिद्वार आओ तो यहाँ की लस्सी ज़रूर पीना, ठीक है, ज़रूर, मतलब ज़रूर, वन ऑफ द फेमस। भाई केदारनाथ जाने के पहले ना तुमको एक यात्रा पास बनाना होगा, ठीक है, वो तुम अपने घर से बना सकते हो। अभी हमारे से हो नहीं रहा था तो हम साइबर कैफे आए हैं, तो हम यहाँ से बनवाएंगे। तो भाई बस अभी बस अड्डा में आए थे, ठीक है, और इधर पे एक चीज़ याद रखना, तुमको पहले से प्री बुक करना पड़ेगा बस या गाड़ी, जो भी जिससे भी तुम जा रहे हो, ठीक है। और बस सोनप्रयाग का करीब 500 से लेके 700 से 800 रुपये लगेगा बस का भाड़ा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और अगर तुम गाड़ी में जाओगे तो तुम अपना गला कटवाओगे, ऐसे करके अपना गला कटवाओगे, ठीक है। तो हम बहुत 3 से 4 बार से ज़्यादा पूछे हैं, पूछने के बाद यही पता चला कि पहले प्री बुक करना पड़ेगा रात को, अगर तुम सुबह जा रहे हो, ठीक है, अगर तुम सुबह जा रहे हो तुमको प्री बुक करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम जा पाओगे, क्योंकि सुबह नहीं जा पाओगे, सुबह कोई नहीं लेता है, ठीक है।